और बाइबल से पुराने नियम में हग्गई 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 भविष्यवक्ता का पुस्तक अगर पीछे साओ तो मलाखी जकरिया और हग्गई उसका पहला अध्याय हग्गई भविष्यवक्ता का पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसका एक से लेकर छह पद तक परमेश्वर पिता का वचन हमारे बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है और बाइबल में लिखा है यदि आप सच्चाई जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। आज एक बार फिर वचन को ऐसे सुनना कि वचन मेरे लिए है और पूरे आत्मा से सच्चाई से तन मन से खंत से इस वचन को सुने ताकि हमारा दिल तक जा सके और दिल तक जाएंगे तो हम उसके अनुसार चलने का प्रयत्न भी कर पाएंगे। तो वचन को ऐसे सुनना है कि वचन मेरे लिए है और वचन सुनने से नहीं लेकिन मानने से हम आशीषित होते हैं। ताजे पार फिर मानने की तैयारी के साथ इस वचन को सुनना और उसके बाद हम प्रभुभोज भी लेते हैं। तो जो प्रभुभोज है वो प्रभु यीशु का लहू और प्रभु यीशु का मांस है। दिखने में ताखरस है और एक रोटी दिखती है हमें लेकिन जब हम प्रार्थना कर कर उसको तोड़ते हैं तो जो रोटी है वो परमेश्वर की देह बन जाती है और जो ताखरस है वो प्रभु यीशु का लहू बन जाता है। एक बार ऐसे ही प्रभुभोज का समय था और एक अन्य जाति का व्यक्ति वो पहली बार आया था और उसके बाद उसने आना बंद कर दिया। जब उसको पूछा गया कि आपने बंद क्यों कर दिया, बोला आप तो कैसे लोग हो, बोले खून पीते हो और इंसान का मांस खाते हो। भी सोचने पड़ गया ऐसा कब हुआ, तो बोला आप ऐसे तो प्रार्थना करते थे प्रभु यीशु का लहू प्रभु यीशु का मांस। वो दिखने में नहीं है, रोटी है और ताखरस है लेकिन हमारे लिए प्रभु यीशु की देह बन जाती है और प्रभु यीशु का लहू बन जाता है। प्रभु यीशु का लहू जो हमारे पापों की क्षमा के लिए बहाया गया, प्रभु यीशु की देह जो हमारे पापों के कारण उनको काट दिया गया उनको मार दिया गया और बहुत ही अनमोल है पवित्र है। अगर सही में आज कहीं पर एक बूंद अगर खून की प्रभु यीशु के खून की अगर मिले तो मैं बोलता हूँ उसको कोई खरीद नहीं सकता। जिसके पास जो भी होगा सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाएगा क्योंकि एक बूंद भी हमें स्वर्ग में ले जाने के लिए काफ़ी है। तो इसलिए हम जो करते हैं तो वो कैसे हमें करना है उसके लिए पहले से ही परमेश्वर का वचन ध्यान से सुनना ताकि हर वक्त जब परमेश्वर का वचन चलता है तो परमेश्वर कोई ना कोई कमी घटी जो हमारी होती है वो हमारे नज़र के सामने लेकर आते वचन के जरिए। और वचन इसलिए नहीं होता कि लोगों की कमी घटियों को जाहिर करें लेकिन वचन है इसलिए, वचन शुद्ध करता है। तो वचन से हम शुद्ध कब होंगे कि जब उसको मानेंगे। उसको मानना मतलब वचन जो दिखाते हैं कि तेरे में ये गलती है उसको सुधार लेंगे तो हम शुद्ध हो जाएंगे। तो हर बार परमेश्वर हमारे जो ऐसी कमी घटी होती है हमारी कमजोरी होती है हमारा कोई छुपा हुआ पाप है जो हमें नहीं पता चलता या तो हम नज़रअंदाज कर रहे हैं जो भी है लेकिन परमेश्वर अपने वचन के जरिए उसको बाहर लेकर आते हैं ताकि हम उसको समझ सकें
और उसको समझ कर उसको दूर कर सके और फिर प्रभु को उसके सहभागी हो सके। तो इसलिए ये वचन ध्यान से सुनना और उसमें जो भी कमी घटी जब पवित्र आत्मा हमें दिखाते वचन सुनने के वक्त उसी वक्त सुनते जाओ और साथ में प्रभु भोज के लिए तैयार होते जाओ, उसके लिए क्षमा मांगते रहो और परमेश्वर से कहो परमेश्वर आज के बाद ये गुनाह मैं नहीं करूँगा। इस तरह से परमेश्वर के वचन को हमें सुनना है क्योंकि जब प्रभु इस धरती पर से तकरीबन 2000 साल के करीब और तब चेले प्रभु यीशु के साथ थे और चेलों ने तो एक बार प्रभु यीशु को दिखाया, देखो प्रभु यरूशलेम शहर कितना बड़ा है, देखो इसकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, इसका बनाया हुआ मंदिर देखो। और तब प्रभु यीशु ने बोला कि ऐसा वक्त आएगा कि एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर नहीं रहेगा। और जब प्रभु यीशु ने ये बात कही तो सारे चेले जो थे वो शॉक हो गए, सभी लोग एकदम शांत हो गए, चुप हो गए। फिर वो लोग किसी पहाड़ पर अकेले हो गए, जब अकेले में थे तब चेलों ने धीरे से पूछा प्रभु वो सब कब होगा, मालूम नहीं वो कहाँ थे, ये बातें चल रही थी, हो सकता है यरूशलेम से गुजर रहे होते, गुजर रहे होंगे और ये बातें चलती होगी। और तभी प्रभु उसने बोल दिया एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर नहीं रहेगा और सभी शौक सभी के मुँह से आवाज़ जो निकलनी चाहिए वो सारी बंद हो गई और चलते चलते किसी पहाड़ के ऊपर अब ना कोई भीड़ है ना कोई है, सिर्फ प्रभु ईश्वर चेले। और तब चेलों धीरे से पूछा कि प्रभु कब होगा ये सब, ये अंत के दिन में क्या होगा, आप जब दूसरी बार आने वाले हो वो दिन कैसे होंगे। और तब प्रभु ने काफ़ी बातें बताई और शुरुआत की कि उस वक्त झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे, झूठे भविष्यवक्ता मतलब झूठ सिखाने वाले बाइबल से ही और बाइबल से ही झूठ सिखाते, तो बोले ऐसे लोग खड़े हो जाएंगे। और देखो आज कितनी सारी कलीसिया है, कोई ये मानता है कोई वो मानता है, कोई बोलता है छींटे देकर बपतिस्मा, कोई बोलता है डुबा कर बपतिस्मा, कोई बोलता है नदी में बपतिस्मा, कोई बोलता है कुंड में बपतिस्मा, कहीं पर भी होता है। प्रभु भोज के बारे में देखो कहीं पर छोटी छोटी रोटियां ढेर सारी, कहीं पर एक रोटी, कहीं पर महीने के पहले संडे, कहीं पर हर बार। तो ये सब कुछ जो हो रहा है अलग अलग रीति से हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ गलत चल रहा है, एक समान नहीं, इसका मतलब कोई एक बात सच्ची है बाकी ये सब झूठी है। तो ये सारी बातें हो रही है झूठे भविष्यवक्ता। प्रभु उसने कहा कि जगह जगह पर भूचाल आएंगे, धरती कंप होंगे वो भी होने लगा, अकाल पड़ेंगे वो भी होने लगा, और प्रजा प्रजा के खिलाफ वो भी हो गई, देश देश के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ाइयों की अफवाह, ये सब कुछ चल रहा है। और प्रभु उसने कहा ये सारी परिस्थितियों में देखो झूठे भविष्यवक्ताओं के बीच में चारों लड़ाइयाँ लड़ाइयों के बीच में प्रजा प्रजा के खिलाफ उसके बीच में मेरे नाम से लोग तुम्हारा द्वेष करेंगे, तुमसे बैर करेंगे, तुमको मार डालेंगे, जेल में डाल देंगे, ख़त्म कर देंगे, ये सारी बातें हो रही। और उस परिस्थिति में प्रभु से ने कहा जो अंत तक टिकेगा वो क्या पाएगा, उद्धार पाएगा। अभी सिर्फ समझो अभी तो ऐसे दिन नहीं आएगा जैसे प्रभु ईश्वर ने कहा ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन हमारे ऊपर ये दिन अभी तक नहीं आए। अभी तक हमें किसी ने जिस तरह से पौलुस से मारा ऐसा हमें तो किसी ने नहीं मारा, पतरस को जिस तरह से मारा ऐसा हमें अभी तक किसी ने नहीं मारा, लेकिन आज दुनिया में सब कुछ हो तो रहा है। कई जगह पर लोगों को जलाया जा रहा है, जान से मार दिया जा रहा है, गर्दनें काटी जा रही है, ऐसी परिस्थिति में हम नहीं आए, लेकिन परिस्थिति तो है दुनिया में। सीरिया में जाकर देखो वहाँ पर हर रोज मसीह को मानने वाले लोगों को हर रोज मार दिया जाता, हर रोज। उनको ये नहीं मालूम कि आज रात है तो कल सुबह हम देख पाएंगे या नहीं, अगर सुबह देख ली तो उनको ये नहीं मालूम कि हम रात देख पाएंगे कि नहीं, फिर भी वहीं पर है वो लोग, फिर भी परमेश्वर की आराधना। और परमेश्वर बोलते ऐसी परिस्थिति में जो अंत तक टिकेगा, कौन से अंत तक, या तो प्रभु यीशु आ जाए और संसार का अंत हो जाए या तो इंसान का अंत हो जाए, जो अंत तक टिकेगा वो उद्धार पाएगा, वो मुक्ति पाएगा। ऐसी परिस्थितियों में अगर हम आ गए, चारों ओर हमें लोग ढूंढ रहे होंगे, हमें मारने के लिए भागते होंगे, घर बार हमारे पास नहीं होगा, पौलुस और पतरस जिस तरह से भाग रहे थे, आसिरिया में जिस तरह से मसीह के लोग इधर उधर छुप रहे, और ऐसी परिस्थितियों में अभी मैं जब गया था इसराइल और वहाँ पर मैंने ऐसी जगह देखी
जिसको शेर पहाड़ बोलते हैं, उस शेर पहाड़ में मैंने देखा तो पत्थर में लोगों ने गुफा बना बना कर रखी थी, पूरा पत्थर है, और उसको आज के मशीन भी अगर लगा दे तो तोड़ने में बहुत मुश्किल है। और उस वक्त के मसीह लोग जिनकी सतावट हो रही थी, जहाँ पर कोई पानी नहीं मिलता, जहाँ पर कोई हरियाली नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसी जगह पर पत्थर में गुफा बना बना कर वो लोग रहते थे। मैंने वो सारी गुफाएं देखी, मैंने देखा, मैंने सोचा कि ये लोग कैसे यहाँ पर रहते होंगे, ना कोई वहाँ पर लाइट है, उस वक्त तो ऐसे भी नहीं थी, आज भी नहीं है, ऐसी परिस्थिति में मालूम है वो लोग कैसे रहते होंगे। और सतावट के कारण इस तरह से लोग भागते रहते थे। और परमेश्वर बोलते ऐसी परिस्थिति में जो अंत तक टिकेगा, जब सुनते हैं तो ऐसा लगता है नामुमकिन टिकना, ऐसी परिस्थिति में कैसे हम रह पाएंगे, जब चारों ओर एक डर सा माहौल होगा, कब हमें मार दे हम कुछ नहीं जानते, कब कहीं पर धरती कंप हो जाए, कब क्या हो जाए कुछ भी नहीं मालूम, कभी एंटीक्राइस्ट खड़ा हो जाए, कभी वो अपनी जो मुहर वो देने लग जाए, कब हम उससे भागते फिरे, कितने दिन तक भूखे रहेंगे, कितने दिन तक प्यासे रहेंगे, ये सब जब सोचते हैं, अगर अपने आप को उस जगह पर लेकर रखते तो ऐसा लगता है कि ये सब तो नामुमकिन जैसी बात है, ऐसे कैसा हो सकता है। लेकिन फिर भी प्रभु ने तो ऐसा ही कहा, जो अंत तक टिकेगा वो उद्धार पाएगा, जो अंत तक टिकेगा। और जब 50वें दिन पवित्र आत्मा को उतारे गए और पत्रस ने प्रचार शुरू किया, तब पत्रस ने प्रचार भी कैसा किया कि ये तो योएल भविष्यवक्ता ने जो भविष्यवाणी की थी ये वो है, किसी ने शराब नहीं पी, किसी ने नया शराब नहीं पिया, ये जो पराई भाषा बोल रहे कुछ और नहीं, ये पवित्र आत्मा का दिया हुआ वरदान है, ये सारे लोग पवित्र आत्मा से बोल रहे, और अभी तो सुबह ही हुई है, इतनी जल्दी कोई शराब पीने के लिए नहीं जाता, हमें से कोई पिए हुए नहीं। और उन्होंने कहा कि ये तो योएल भविष्यवक्ता ने जो कहा था वो आज पूरा हो रहा है, कि अंत के दिनों में मैं मेरा आत्मा सभी इंसानों के ऊपर उंडेल दूंगा, उनके जवानों को दर्शन होंगे, बूढ़े को सपना आएंगे, और आसमान में और जमीन के ऊपर परमेश्वर चिन्ह दिखाएंगे, आग और लहू ये चारों ओर देखने को मिलेगा, और उस वक्त जो परमेश्वर को पुकार करेंगे वो उद्धार पाएगा। ऐसे पत्रस ने अपने प्रचार में योएल भविष्यवक्ता की सारी बातें बोल दी कि उस वक्त जो परमेश्वर के नाम से जो पुकारेगा तो बोले वो उद्धार पाएगा। उस वक्त कौन परमेश्वर को पुकार सकता है, सभी लोग बचने में इधर उधर भागने में व्यस्त होंगे, कौन उस वक्त पुकारेगा, लेकिन बाइबल में लिखा है तो पुकारने वाले होंगे, और उस वक्त लोग परमेश्वर को पुकारेंगे, जो लोग पुकारेंगे वो लोग बचाए जाएंगे, मतलब अंत तक टिकने वाले वो आखिर में पुकारेंगे, प्रभु बचा लो हमें, प्रभु हमें अपने राज्य में ले लो, प्रभु ये मौत तो कोई बात नहीं, इसको सहन करने के लिए हमें शक्ति दो, उस अंत के दिनों में भी पुकारने वाले होंगे। और यहेजकेल में लिखा है, भविष्यवक्ता यहेजकेल का पुस्तक और उसका 18 अध्याय, उसके 21 से पद से कोई पढ़ो तो, पर जो दुष्ट होते परमेश्वर सर्व पाप करवान छोड़ी देसे, मारे सर्व विधियों पार से, ते नीति जी तथा प्रामाणिक पण वर्त से, तो ते नक्की जीव से, ते मारे जसे नहीं, तेने करेला अपराधों मान कोई पण तेरी विरुद्ध याद करवा आवशे नहीं, पोते करेली पोतानी नेकीने लीधे ते जीव से, प्रभु यहोवा कहे छे, सुदुष्टना मौतमा बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु कहते हैं, उनका वचन कहता है कि अगर कोई दुष्ट इंसान है जिसे पूरी जिंदगी अपने दुष्टता में बिता दिए, गालियों में, झगड़े में, लेकिन अंत के समय में, अपने जीवन के अंत के समय में, या तो धरती के अंत के समय, कभी भी वो परमेश्वर के पास आ गया, उससे परमेश्वर को पुकार लिया, तो परमेश्वर क्या बोलते हैं, मैं उसकी सारी दुष्टता को भूल जाऊंगा, उसने जितने भी पाप किए वो सारे पाप को मैं भुला दूंगा, क्या दुष्ट मर जाए उसमें मुझे आनंद होता है, बोले नहीं, लेकिन उससे जीवन पाए मुझे तो उसमें खुशी होती है, वो कोई कितना भी बुरा इंसान, लेकिन आखिरी वक्त अगर उसने परमेश्वर को ग्रहण कर लिया तो वो बचाया जाएगा। और फिर आगे क्या लिखा है, जो ते पुत्रा मारती पाछा मरीने जीवतो रहे तो एना करता हूं विशेष राजी ना था, बाइबल कहते हैं, लेकिन अगर कोई नेक इंसान, अच्छा इंसान ऐसी परिस्थितियों में
जब सतावट हो रही है, धरती कम हो रही है, और अंत के समय में अगर वो अपनी नेकी को छोड़ दे, अपने नेक कामों को छोड़ दे और अगर वो आखिरी दिनों में एंटीक्राइस्ट के साथ मिल जाए, उसकी मुहर ले ले, वो भी ऐसे काम करने लग जाए, हाँ तो सोते जीव से जीव का काम से परमेश्वर के, तो क्या वो जिएगा, मतलब क्या वो अनंत जीवन पाएगा? हाँ तेरे करेला नेक काम मानू कोई भी याद करो मां से नहीं। परमेश्वर बोलते उसने जितने भी अच्छे काम किए उसमें से एक भी याद नहीं किया जाएगा। देखो दुष्ट के दुष्ट काम याद नहीं किए जाएंगे अगर आखिरी में परमेश्वर के पास आ गया, और जो आज तक परमेश्वर में चलता था लेकिन अभी छोड़ दिया, तो बोलो उसके अच्छे काम, उसकी नेकी के काम, उसके आत्मा के काम, उसमें से कोई भी याद नहीं किया जाएगा। देखो कैसी परिस्थिति। परमेश्वर का यह वचन ये कहना चाहते कि आप मरते वक्त कैसे थे, जब आपकी सांस छूट गई, जब आपकी आत्मा अंदर से बाहर निकल गई, उस वक्त आप कैसे थे, अंत के समय में कैसे थे, आपकी मौत के समय में कैसे थे। अगर किसी ने पूरी जिंदगी उसने पापी किए लेकिन अंत में जिस तरह से चोर था उसने अंत में प्रभु को ग्रहण कर लिया तो चला गया स्वर्ग में। मैं उसको देखता हूँ, जब भी उसको याद करता हूँ, मैं बोला सबसे अच्छा इंसान यही था, सबसे अच्छा, मतलब कि जिसको ऐसे समझो कि मुफ्त में मिल गया स्वर्ग, पूरी जिंदगी बस अपने जीवन जिया और आखिर में उसको एक ही मौका मिल गया बाजू में परमेश्वर, और उसे पश्चाताप कर ले। अगर बाइबल पढ़ो तो उसने भी क्रूस पर से प्रभु यीशु की निंदा की थी पहले, उसने भी परमेश्वर का ठट्ठा किया था, फिर उसको लगा नहीं ये अच्छा इंसान है, तब बोला तो दूसरी बार आया तो मुझे याद करना, अब प्रभु सुनो दूसरी बार की बात छोड़ दूँ तो आज मरने वाला है, तो बोले आज ही तू मेरे साथ होगा बोल के, और परमेश्वर ने उसको बचा लिया। आखिरी वक्त, ये आखिरी वक्त जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारा। अगर आज तक हम परमेश्वर में चले, अच्छे से चले, सच्चाई से, आत्मा से चले, लेकिन एंड टाइम पर हम डर गए, किसी ने आके तलवार लगा दी, किसी ने गन दिखा दी, छोड़ दे परमेश्वर को और छोड़ दिया और उसी वक्त मर गए, परमेश्वर को तेरे अच्छा के कोई काम याद नहीं किया जाएगा, तो जाएगा नाश में। मगर अंत के समय में हम कैसे, ये सबसे बड़ी बात है। एक बार किसी जगह पर प्रचार में ये बात हुई और जवान दो चार लड़के थे वो तो बहुत खुश हो गए, बोले आपने आज बहुत अच्छा सिखा दिया। बोला क्या हो? बोले जैसा जीवन जीना वैसे जियो, अंत के समय में अपने आप को सुधार लेंगे, ऐसा मत सोचना कि लिखा कर आयो कोई कि मेरी आयु इतनी है कोई परमेश्वर की ओर से लिखा हुआ खत कि 100 साल तक मुझे कुछ होने ही वाला नहीं, फिर तो ऐसा करो कोई बात नहीं, लेकिन कब क्या होने वाला हो तो मालूम नहीं। पिछले कुछ सालों में 2008 में मेरे ख्याल से यहाँ आनंद के पास वगासी एक बस पूरी जल गई, और वो बस जल गई दूसरे दिन में वहीं से गुजरा के, और पूरा रास्ता तो बंद कर दिया था लेकिन वहीं पास के गांव का एक लड़का था तो उसको मैं मिला के, मैंने बोला भाई साहब आप कल थे यहाँ पर, क्या हुआ तो बताओ, और उसने बोला क्या बताओ आपको, मैंने बोला क्या हुआ, बोले एक सेकंड से भी कम हमें चीख सुनाई दी, बस चीख लंबी नहीं चली, एक सेकंड भी नहीं चली, और हम लोग कुछ समझे अपने घर से बाहर आए तब तक तो सब कुछ खत्म हो गया था, बस में जितने भी लोग थे सारे मर गए थे, कोई भी नहीं बचा उसमें से, कोई भी नहीं बचा उसमें से। एक परिवार वो तो परमेश्वर का वचन प्रकट करने वाला परिवार था, पति पत्नी और उनकी एक बेटी, ये सारे मर गए, उनकी डेड बॉडी तक हाथ में नहीं आई, सब पाउडर हो चुका था। ये मत समझना कि आखिरी वक्त हम पश्चाताप कर लेंगे, मौका नहीं मिला तो इनको कोई मौका नहीं मिला, ये खत्म हो गई। और ऐसा सिर्फ एक बार नहीं होता, कई बार होता है, हर रोज होता है, हर रोज कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक्सीडेंट, हर रोज कहीं ना किसी को अटैक, कली में कहीं से आ रहा था और रास्ते में एक अस्पताल था और वहाँ पर बहुत सारी भीड़ थी, बोले इतनी भीड़ क्यों, अचानक से किसी को कुछ हुआ होगा, तभी सभी लोग लेकर आए। एक बार मैं फतेहगंज से मेरे घर से बाहर निकला और मेरे घर के पास थोड़ी सी भीड़ थी,
और मैंने किसी को पूछा क्या हुआ, बोले फलाने भाई साहब ने उसको छाती में दर्द हो रहा था, उसको अस्पताल लेकर गए। मीटिंग के लिए हम लोग निकले थे, मीटिंग खत्म कर कर जब वापस गए तब पता चला वो तो खत्म हो गए थे। पश्चाताप करने का कोई मौका नहीं, जैसा समझने की जरूरत नहीं कि अंतिम दिन में अंतिम वक्त में हम परमेश्वर को ग्रहण कर लेंगे और तब तक हमें जैसा भी जीना है बस वैसे ही जियो। तो इसका मतलब क्या, ना हमें हमारा अंत मालूम है, तो हम ये भी नहीं सोच सकते कि अंत समय में हम ऐसा कर लेंगे, ये भी नहीं मालूम कि प्रभु यीशु कब आएंगे। आज भी आ सकते, कल भी आ सकते, कभी भी आ सकते, मौत भी कभी भी आ सकती, तो हमें करना क्या है। तो इसका मतलब ये हुआ हमें हर वक्त तैयार रहना है। हालेलुया, हर वक्त हर पल हमें तैयार ही रहना है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे पास समय है और हम कल तैयार हो जाएंगे, हम परसों तैयार हो जाएंगे, हम धीरे धीरे तैयार हो जाएंगे। आज तक ना कोई धीरे धीरे तैयार हुआ है, जो भी हुआ है वो तुरंत तैयार हो जाता है। तो कभी भी ऐसा मत समझना कि मैं धीरे धीरे परमेश्वर के राज के लिए मैं तैयार हो जाऊंगा। जो भी हमें काम करना है वो तुरंत ही करना है। और परमेश्वर ने जब अब्राहम को चुना था, और अब्राहम को जब चुना था तब अब्राहम कितने साल के थे, 75 साल के, और 24 साल के बाद मतलब जब वो 99 साल के हुए तब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया। और अब्राहम को बुलाकर क्या कहा, अब्राहम सर्वसमर्थ परमेश्वर में हूँ, सब कुछ कर सकने वाला परमेश्वर में हूँ, मेरे सन्मुख चल और संपूर्ण हो जाए। परमेश्वर ने अब्राहम को 24 साल के बाद ऐसा कहा कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर में हूँ, मेरे सन्मुख चल। कई बार हमने देखा हुआ है कि जब परमेश्वर ने अब्राहम को बोला था कि अब्राहम तुझे कनान देश में जाना है, अब्राहम पहुंच भी गए, लेकिन जैसे वहां पर पहुंचे वहां पर तो अकाल पड़ा। अकाल पड़ा तो अब्राहम ने सोचा यहां तो अकाल है, चलो चले जाते हैं मिस्र देश में। जबकि परमेश्वर ने बोला था कनान देश में जाओ, तो फिर मिस्र में जाने की जरूरत नहीं थी। चाहे अकाल है तो कोई बात नहीं, परमेश्वर उसका गुजारा करते। लेकिन अब्राहम बिना पूछे चले गए मिस्र देश में। वहां गए फिर उनको देखा, अपनी पत्नी सारा को देखा, बोले कहीं फिर लेकर ना चला जाए इसको, और ले जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन उसको पता चला अगर मैं उसका पति हूं तो बोले मुझे खत्म कर देगा, इसको रास्ते से हटाओ, लेकिन मुझे तो इसकी पत्नी पसंद है। तो अपनी पत्नी को क्या बोला, उस बोले फिर उनको ऐसा बोलना अगर पूछे तो ये मेरा भाई है। वहां से निकले तो अभी मेलेख नाम का राजा, तो तब भी अब्राहम डर गए, तब भी बोला सारा को बोलना मेरा भाई है। सारा ने बोला मेरी दासी के पास जा, तो अब्राहम चले गए अपनी दासी के पास, और वहां से एक लड़का भी हुआ जिसका नाम इश्माइल रखा। ये सारी गलतियां जो थी वो अब्राहम से हो रही थी, 24 सालों के दौरान ये सारी गलतियां वो अब्राहम से हुई। लेकिन उसके बाद अब्राहम ऐसे चले, अब्राहम ऐसे आत्मा से चले, से सच्चाई से चले कि आज उनको क्या कहा जाता है, विश्वासियों का पिता। हालेलुया। देखो 24 साल तक इधर उधर चलने वाले इंसान, लेकिन उसके बाद ऐसे चले कि वो हमारे पूर्वज बन गए, हमारे विश्वासी लोगों के वो तो पिता बन गए। दाऊद को देखो, दाऊद दो बार गलतियां कर चुके, दो दो गलतियां उनसे हुई। एक बाथशेबा नाम की जो लड़की थी, किसी और की पत्नी थी, उसके पति को मरवा दिया और बाथशेबा के साथ शादी कर ली। फिर परमेश्वर ने कहा था कि मेरे लोग अनगिनत लोग हैं, अब्राहम को ही कहा था कि तेरे लोग जो है वो आसमान के सितारे के समान, अगर उनको तो गिन सके तो तू अपने लोगों को गिन सकेगा। और दाऊद ने सोचा मैं मेरे लोगों को गिनता हूँ, जबकि परमेश्वर ने मना किया था मत गिन, मेरे लोगों को तो गिन नहीं सकता, और गिनने की कोशिश की, और ये दूसरी गलती। लेकिन फिर भी दाऊद राजा के बारे में अगर बाइबल पढ़ते तो पता चलता है कि उनके समान आज तक कोई राजा हुआ ही नहीं, कोई भी राजा नहीं। सुलेमान राजा देखो, उन्होंने तो 700 प्लस 300 मतलब उनके साथ शादी की, और 300 बिना शादी के लिए रखे अपने घर में, सभी के लिए अलग अलग से घर बनाए, अन्य जाति की लड़कियां भी लेकर आए उनके साथ भी शादी की, उनके साथ शादी कर कर वो भी पराए देव देवता को मानने वाला बन गया। लेकिन फिर भी सुलेमान के बारे में लिखा है उसके जैसा ज्ञान एक ना उससे पहले कोई हुआ था,
ना उसके बाद में कोई हुआ। उन्होंने देखो नीति वचन लिखे कितने बढ़िया से लिखे हुए, कितना बड़ा ज्ञान। सबो पदे सकर पढ़ो तो देखो सुलेमान का नाम कितना बड़ा है, और उसी के वंश में तो हमारे प्रभु यीशु जो है वो भी आए। मूसा देखो, मूसा से भी तो एक बार गलती हो गई। मूसा ने भी तो एक बार लोगों को इकट्ठा कर कर बोला हम पानी निकाले क्या, और मूसा की उस गलती की वजह से परमेश्वर ने बोला उसको कि तूने मुझ पर विश्वास नहीं किया। लेकिन फिर भी बाइबल में मूसा के लिए तो ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण में उसका 34वां अध्याय पुनर्नियम व्यवस्था विवरण उसका 34वां अध्याय और उसका दसवां पद। देखो क्या लिखा है, उसके जैसा भविष्य वक्ता आज तक इज़राइल में पैदा तक नहीं हुआ। हालेलुया, बहुत ध्यान से समझना भी परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं। ये लोग अब्राहम की बात करें या फिर दाऊद की बात करें, मूसा की बात करें, सुलेमान की बात करें, तो इन लोगों का जीवन कुछ इधर उधर हो गया था, गलती हुई थी उनसे, और बाद में स्थिर भी हुए। ऐसा नहीं कि लोग स्थिर नहीं हुए, ये लोग बाद में स्थिर भी हो गए। लेकिन गलती होने का कारण क्या था कि जिनको परमेश्वर दर्शन देते थे उनसे गलती कैसे हो गई, और गलती होने के बाद जब लोग स्थिर हो गए तो स्थिर भी इतना बढ़िया कि फिर कभी वो गिरे ही नहीं, ऐसे ये लोग स्थिर भी हो गए। क्या इनका कारण था गिरने का, और क्या कारण था उनका स्थिर रहने का, या तो वापस हमेशा के लिए उठने का। जब दाऊद राजा वो राजा बने थे और पूरे इसराइल के ऊपर राजा बने, उससे पहले ऐसा हुआ था कि जो परमेश्वर ने संदूक बनाकर दिया था जिसको वाचा का संदूक बोलते, जिसके अंदर मन्ना से भरा हुआ कटोरा था, जिसमें 10 हुक्म लिखे हुए थे, जिसमें हारून की लकड़ी थी, जिसके ऊपर वो करूब बनाकर रखे थे, दया का आसन बनाकर रखा था, ऐसा एक वाचा का संदूक जो था वो इसराइल के लिए बहुत ही अहम चीज थी, बहुत ही महत्वपूर्ण। और वो जो था वाचा का संदूक वो कहीं और पड़ा हुआ था इसराइल में, लेकिन दाऊद राजा के पास नहीं था। तो दाऊद राजा ने सोचा कि अरे तो वाचा का संदूक है, ये तो परमेश्वर की आज्ञा है, परमेश्वर की कृपा है, ये तो परमेश्वर की आशीष है, ये तो परमेश्वर की दया है, ये तो मेरे साथ होनी चाहिए, बोले इसको लेकर आते। तो दाऊद ने बोला चलो हम लेकर आते। तो दाऊद उनके साथ कुछ लेवी लोग, याजक लोग, सभी लोग आराधना करते करते वहाँ पर गए और वाचा का संदूक उसको उठाकर लेकर आने लगे। जब आने लगे तो रास्ते में एक घटना हुई और हम उसको पढ़ते हैं दूसरे शमूएल में उसका 6वां अध्याय। दूसरा शमूएल उसका 6वां अध्याय उसका 6, 7 और 8 पर। दूसरा शमूएल 6वां अध्याय 6 से 8। तेवो नाखून ना खोड़ा पास आ गया, त्यारे उज्जा है देवना कोस तरफ हाथ लांबो करी नहीं ते पकड़ो, क्योंकि बोरों में ठोकर खा दी होती अने वानों को उज्जा हो पर सड़क गयो अने त्यार देवे तेना अपराध ने लिदे मारियो। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि जो बेल जा रहे थे उन्होंने ठोकर खाई। अभी उस बेल के गाड़े के अंदर तो ये रखा हुआ था संदूक, अभी अगर ये ठोकर खा रहे तो संदूक गिर सकता था। तो उज्जा नाम का जो एक इंसान था उसने हाथ लगा दिया कहीं गिर ना जाए, लेकिन बाइबल में क्या लिखा है उसके ये पाप के कारण, उसके ये अपराध के कारण परमेश्वर उसको वहीं पर ख़त्म कर दिया। फिर क्या लिखा है आगे, वो उज्जा पर टूटी पड़ी हो तो तेजी दाऊद ने माथू लगी और ने तेरे ते जगह नाम पेरेस उज्जा पड़ू ते नाम आज सुधी जाने छे। देखो दाऊद को बुरा लगा, क्या बुरा लगा, परमेश्वर ने इसको क्यों खत्म कर दिया। देखो परमेश्वर का भी बुरा मानने वाले, परमेश्वर का बुरा मानने, परमेश्वर खत्म कर दे इसको, अरे गिर जाता इसे पकड़ लिया तो इसे कौन सी गलती की। दाऊद को भी नहीं मालूम, दाऊद को बुरा लगा और दाऊद ने जगह का नाम क्या रखा, पेरेस उज्जा, जिसका मतलब है
परमेश्वर टूट पड़े उसके ऊपर। देखो गुस्से में नाम रखा है कि परमेश्वर गुस्सा के ऊपर टूट पड़े, मतलब उसके अपराध के कारण मारा ऐसा नहीं, टूट पड़े जैसे उसको फोकट में मार दिया, ऐसा दाऊद ने भी नाम रख दिया। आज तक वही नाम चल रहा है बोले। और ये उज्जा जो था उस वक्त मर गए। अब बहुत ध्यान समझना, उज्जा की गलती ये थी कि वाचा का संदूक उसको सिर्फ लेवी लोग हाथ लगा सकते थे और कोई नहीं। और इस जगह पर अगर लेवी भी होता ना तो वो भी मर जाता है, अगर लेवी ने भी हाथ लगा दिया होता तो वो भी मर जाता है। एक बार एक मेन रोड था और मुझे क्रॉस करना था, वहाँ पास में मेरे पास में रहने वाले एक बुजुर्ग अंकल थे, वो वहाँ पर खड़े थे। तो उन्होंने मुझे देखा, उनकी आँखें कुछ कमज़ोर हो गई थी, उन्होंने मुझे पहचाना नहीं, लेकिन मुझे आवाज़ दी, बोले बेटे मुझे उस पार रास्ता क्रॉस करा दे। बोला ठीक है। तो मैंने उन बुजुर्ग का हाथ पकड़ा और मैं धीरे 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 लेकर उनको रास्ता क्रॉस करवा दिया। रास्ता क्रॉस करने के बाद उन्होंने बोला अब कोई बात नहीं, अब मैं घर पर तो जा सकता हूँ, अब फिक्र नहीं। मैंने उनका हाथ पकड़ा और मैंने उनको रास्ता क्रॉस करा दिया, मतलब मैंने उस बुजुर्ग को सहायता की। ये काम वो नहीं कर सकते थे, अगर वो करते तो हो सकता है रास्ते में गिर जाते, हो सकता है किसी से टकरा जाते, हो सकता है हाथ पैर टूट जाता, हो सकता है वो मर जाते, इनमें से कुछ भी हो सकता था। तो मैंने सहायता की और मैंने ऐसा नहीं होने दिया, मैंने उनका हाथ पकड़ा। लेकिन क्या परमेश्वर गिर सकते कि उज्जा जाके हाथ लगाता है, बेल ने ठोकर खाई। अगर समझ लो परमेश्वर किसी घोड़े के ऊपर बैठे, अगर घोड़े ने ठोकर खाई तो परमेश्वर गिर सकते? हालेलुया। बात यह थी परमेश्वर नहीं गिर सकते, वाचा का संदूक मतलब परमेश्वर का एक स्वरूप वो नहीं गिर सकते थे। और उज्जा जाके हाथ लगा दिया, परमेश्वर गिर गए तो ये अपराध था बड़ा। हम परमेश्वर का हाथ नहीं पकड़ सकते, हम परमेश्वर को सहारा नहीं दे सकते। और ये गलती उज्जा की हुई थी, इसलिए ये उज्जा जो थे उसी वक्त वो मर गया। जब प्रभु इस धरती पर थे और मर गए, मरने के बाद तीसरे दिन जिंदा भी हो गए। जब जिंदा हो गए तब मरियम वो प्रभु यीशु को मिलने के लिए, प्रभु यीशु को मिलने के लिए नहीं लेकिन कब्र पर गए वो, और वहाँ पर उसकी भेंट हो गई प्रभु यीशु से। देखो उसने नहीं जाना ये यीशु है। फिर इसने उसके साथ जब बातें की तब मरियम को पता चला ये तो यीशु है। और वहाँ पर ऐसा लिखा है, हम पढ़ते यूहन्ना के सुसमाचार में उसका 20वां अध्याय, यूहन्ना इसका 20वां अध्याय और उसका 17 पद। यीशु तेने कहे छे के हजी सुधी हूँ बाप पासे चढ़ी गयो नथी, माटे मने स्पर्श न कर, पण मारा भाईओनी पासे जईने तेओने कहे के જે મારો બાપ તથા તમારો બાપ અને મારો દેવ તથા તમારો દેવ તેની પાસે હું ચડી જાઉં છું। देखो प्रभु से उससे क्या क्या कहा, अभी तक मैं मेरे पिता के पास नहीं गया इसलिए तुम मुझे मत छू। वहां पर लिखा स्पर्श ना कर, मुझे मत छू। ये जो स्पर्श, ये छू जो शब्द है उसका जो सही मतलब होता है, ये नए नियम जो लिखा गया ग्रीक लैंग्वेज में, और ग्रीक में जो शब्द है वो हैप्टो, HAPTOU, हैप्टो, उसका मतलब होता है तुम उसे ऐसे मजबूती से मत पकड़, उसे छुआ नहीं था ऐसा नहीं, या छूने का प्रयत्न कर रही थी ऐसा नहीं, उसने यीशु मसीह का हाथ पकड़ लिया था ऐसे मरियम ने। और यीशु क्या बात है, बोला अभी ऐसे मत पकड़, मुझे जा रहा है मेरे बाप के पास और तू भी जाकर खबर दे दे। उनके छूने से प्रभु से अशुद्ध नहीं होने वाले थे। उसके बाद तो थोमा को भी बोला था ना मुझे छू ले, उन्होंने मछली भी खाई थी ना, तो यहाँ का खाने से पीने से उनको कुछ अशुद्धता नहीं होने वाली थी। मरियम उसको छू सकती थी, मरियम ने छुआ भी था, छुआ क्या पकड़ा हुआ था। मैं जब पढ़ रहा था तो मुझे सवाल हुआ, उन्होंने ऐसे कैसे कि प्रभु से तो मछली खाई थी तब अशुद्ध नहीं हुए थे, थोमा ने छुआ तब अशुद्ध नहीं हुए थे, तो फिर ये क्यों? तो उस पर जब जोर दिया तब पता चला ग्रीक में क्या लिखा है। तो ग्रीक में लिखने का मतलब ये है कि तुम मुझे ऐसे मजबूती से मत पकड़, मुझे छोड़, मुझे जाना है अभी ऊपर जाना है, तुम मुझे छोड़ दे अभी। तो यहाँ जो मरियम थी उन्होंने यीशु मसीह को पकड़ लिया था। आज सब लोग यही कर रहे,
यीशु मसीह का हाथ पकड़ लेते, परमेश्वर का हाथ पकड़ लेते कि मैं तो परमेश्वर को पकड़ा हुआ है, मैं तो परमेश्वर का हाथ पकड़ा हुआ है। लेकिन परमेश्वर तो फिर भी चले गए ना ऊपर, उसको बोला ना चल छोड़ दे मुझे। और अगर समझो कि मरियम ऐसा बोलते मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ने वाले, तो क्या परमेश्वर ऊपर नहीं जा सकते? वो फिर भी चले जाते, छुड़ा कर चले जाते, क्योंकि वो तो सामर्थी, वो परमेश्वर है। और जब दाऊद राजा उस वाचा के संदूक को लेकर आते तो रास्ते में घटना हो गई, इसने परमेश्वर को पकड़ने की कोशिश की और वो वहीं पर मर गया। परमेश्वर को हम पकड़ नहीं सकते, उसका हाथ हम थाम नहीं सकते, उनको हमारी जरूरत नहीं है, वो इतने कमजोर नहीं कि गिर जाए। और इसलिए वो उसी वक्त वहां पर वो मार दिए गए। अब दाऊद को भी बुरा लगा, लेकिन साथ में दाऊद को डर भी लगा, पर ये कैसे परमेश्वर सिर्फ हाथ लगाया और मुझे इसको खत्म कर दिया। तो दाऊद ने क्या किया, देखो दूसरे शमूएल में पढ़ते हैं, दूसरा शमूएल इसका 6वां अध्याय और इसका 9 और 10 पद पढ़ दो। देखो दाऊद को डर लगा, तो क्या अब तक नहीं डरते थे? अब तक भी डरते थे, लेकिन अब डर जो था ना वो बदल गया। और इतने भयानक परमेश्वर हाथ लगाने से खत्म कर सकते, तो बोले अब मैं वाचा का संदूक लेकर कैसे जाऊं? वो लेकर जाना चाहते थे अपने पास रखना चाहते थे, लेकिन रास्ते में देखा ऐसा, अरे कुछ मेरे से गलती हो गई तो मैं भी जाऊंगा जान से, छोड़ो इसको ले ही नहीं जाना है। पढ़ो तो आगे क्या लिखा है। देखो जाके ओबेद नाम का कोई इंसान था, उसके घर पर रख दिया, मरे तो ये मरे, मैं तो यहाँ से बचकर भागू। लेने के लिए निकले थे दाऊद, लेकिन बोले उज्जा तो मर गया, ये परमेश्वर मेरी भी शरण में रखेंगे, मैंने हाथ लगा दिया तो मैं भी जाऊँगा काम से। बोले नहीं ले जाना इसको, और दाऊद उसको वहीं पर ओबेद नाम का कोई इंसान था उसके घर पर रख दिया। लेकिन बाद में क्या हुआ, ओबेद के घर में तो आशीष आने लगी, आसमान के झरोखे खुल गए, परमेश्वर तो उसको बहुत आशीष दी। और उसका कारण भी ये था कि वाचा का संदूक जो था वो उसी के घर में था। और पढ़ो तो उसका 12 पद। अने दाऊद राजा ने समाचार मळ्या के देवना कोष्ण लीधी छे, होय ओबेद अदोमना कुटुंब ने तथा तेना सर्वसने आशीर्वाद दीधो छे, त्यारे दाऊद जेने देवना कोष्ण ओबेद अदोमना सर्वथी दाऊद नगर मां उत्सव साथे लई आव्यो। देखो दाऊद को पता है नहीं, ये तो आशीष मिलती है, तो बोले नहीं अभी वहां नहीं रहेगा, अभी तो इसको मेरे पास लेकर आओ, अभी तो मैं लेकर आऊंगा। तो दाऊद को पता चला कि ओबेद को तो आशीष मिल रही, तो बोले चलो लेकर आते। और वो लोग जो पाचा का संदूक था उसको लेने के लिए वो लोग तो निकल पड़े। और दाऊद को जैसे ही पता चला, दाऊद ने लेने की बात की और दाऊद उसको लेकर आते। अभी दाऊद अभी बहुत ध्यान से समझा, उस जगह पर अपने आप को ले जाओ। अभी देखो वाचा का संदूक कौन उठा सकता है, सिर्फ लेवी लोग। और हाथ लगाने से उज्जा मर गए, ओबेद के घर में रखा, ओबेद को आशीष मिली, दाऊद को पता चला आशीष मिलते तो मेरे घर में लेकर आओ। अभी दाऊद तो राजा है, वो तो बोले चलो कोस उठाओ, वाचा का संदूक उठाओ, लेकिन उनको क्या दिखेगा, उज्जा दिखेगा, अरे वो मर गया था, अभी हाथ लगाएंगे हम लोग मर गए तो। लेकिन दाऊद तो राजा है तो बोलेंगे तो करना तो पड़ेगा ना। अभी लेवी लोग डरते डरते जा रहे उस वाचा के संदूक के पास, और डर कर उस वाचा के संदूक को वो लोग उठाते और उठाकर वो लोग चलने लगे। और देखो पढ़ो तो उसका 13वां पद, दूसरा शमूएल 6वां अध्याय 13वां पद। अने एम कहू के देवनो को सूचक ना रात 6 डगला चल्या, એટલે તેણે એક વખત એક પુસ્તક વસુનું બલિ દીધું। देखो जैसे ही 6 कदम चले दाऊद ने तुरंत बलि दे दी, बोले अभी भी कुछ हो सकता है, इससे अच्छा है परमेश्वर को बलि देकर खुश करो, मरना नहीं है। और उसने वहां पर बलि दे दी। यही बात जो है वो इतिहास में भी लिखी है, इतिहास मतलब कारोदात पहला इतिहास उसका 15 अध्याय और उसका 26वां पद। જ્યારે દેવી યહોવાનો કરાર સૂચકનારા લેવીને સહાય કરી ત્યારે તેઓએ 7 બળદો તથા 7 ખેડાનું બલિદાન આપ્યું। દેખો યહાં પર લખા હૈ 7 બેલ,
और वहां पर कितना लिखा था दूसरे शंगुल में? एक बल तथा एक पुरुष असुर बलिदान। हाँ, वहां पर लिखा है कि एक बैल का बलि किया, लेकिन एक बैल का जो बलि था ना वो दाऊद ने दिया था। और लेवी लोग जब 6 कदम चले और उन्होंने देखा कि परमेश्वर ने सहायता की, हमें मारा नहीं, तो उन्होंने 7 बैल दे दिए। देखो डर के मारे कितना हो रहा है। अभी इन लोगों ने कितनी प्रार्थना के साथ वाचा का संदूक उठाया होगा। हालेलुया, समझ में आ रहा है? सामने मौत थी और मौत के कारण इनको जो करना है, जब मौत सामने आ जाती है और तब की प्रार्थना जो होती है वो कुछ एक अलग से ही होती है। उज्जा तो मर चुका था, दाऊद ने बोला इसको तो उठा कर लाना है क्योंकि आशीष मिलती है, दाऊद को तो उठाना है नहीं। दाऊद ने तो लेवी लोगों को बोल दिया, लेकिन दाऊद के मन में भी डर है, मालूम नहीं लेवी लोग उठा पाएंगे नहीं, और उठाएंगे तो जिएंगे कि नहीं। लेकिन लेवी लोगों को तो उठाना है, तो लेवी लोगों बेचारों ने हाथ लगाया, उठा लिया, कुछ भी नहीं हुआ। और कुछ भी नहीं हुआ तो दाऊद खुश हो गए, एक बैल दे दिया। लेकिन दाऊद को तो हाथ लगाना नहीं था इसलिए एक बैल दिया। लेकिन लेवी लोगों ने देखा परमेश्वर हमें भी कुछ नहीं कर रहे, परमेश्वर ने हमें सहायता की संतों को उठाने के लिए, उन्होंने 7 बैल परमेश्वर को अर्पण कर दिए और भेंट कर दिए। कितनी प्रार्थना के साथ दाऊद ने और फिर कितनी प्रार्थना के साथ ये लेवी लोगों ने ये संदूक जो उठाने का काम जो है वो किया होगा। क्योंकि जब सामने मौत दिखती है ना तब की प्रार्थना ही बदल जाती है। आप हर रोज ऐसे प्रार्थना करो और सामने जब कोई बंदूक लेकर है तब की प्रार्थना देखना, वो सच्ची और आत्मा से होगी। चाहे आंखें खुली होगी तो भी, चाहे कांप रहे होगे तो भी वो सच्ची प्रार्थना होगी। एक बार एक भाई साहब किसी की मोटरसाइकिल के पीछे बैठ गए, चलाने वाला जवान लड़का था 18-19 साल का, उसने 135 पर अपनी मोटरसाइकिल पर गई। बोले मैंने सच्ची प्रार्थना की उस वक्त पीछे बैठकर 135 की साल पर स्पीड पर मोटरसाइकिल, परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा करो, मरने वाला हूँ, कम से कम ऊपर तो चला जाओ परमेश्वर के पास। मौत के वक्त प्रार्थना कैसे होती है? और इन लोगों ने पूरे आत्मा से और सच्चाई से प्रार्थना की होगी। और वहां पर लिखा है, हम पढ़ते हैं पहला इतिहास और उसका 16वां अध्याय। और अब ये लोग वाचा का संदूक लेकर दाऊद नगर में पहुंच गए। दाऊद ने अपने पास रखवा भी दिया और दाऊद बहुत खुश है। लेकिन इस वक्त दाऊद ने जो वहां पर गाना गाया, जो परमेश्वर की आराधना की, वो सच में बहुत आत्मा से सच्चा है क्योंकि उसकी जान बच चुकी है। और तब वो जो गाना गाते हैं उसके कुछ शब्द हम पढ़ते हैं, उसका 11वां पद पढ़ो। तो यहोवा दे तेना सामर्थ्य ने तमे सोतो सदा सर्वदा तेना मुखने सोतो। दाऊद राजा ये बोल रहे हैं परमेश्वर के सामर्थ को ढूंढो। हालेलुया, जाग रहे हो ना? हालेलुया, बोलते हैं आत्मा से आराधना के शब्द कि परमेश्वर के सामर्थ को ढूंढो। क्योंकि दाऊद ने ढूंढ लिया सामर्थ कि परमेश्वर का सामर्थ कैसा है, परमेश्वर कैसे, उनको पता चल गया कि कब वाचा के संदूक को हाथ लगाने से मर सकते हैं और कब उनको हाथ लगाने से कुछ भी नहीं हो सकता। अगर ऐसा समझकर परमेश्वर का हाथ पकड़ दे कि मैं परमेश्वर को सहारा दूं तो समझो गए काम से। लेकिन जब उसको उठाकर किसी और जगह पर ले जाए, लेवियों को परमेश्वर ने कुछ भी नहीं किया क्योंकि ये काम परमेश्वर ने लेवी लोगों को ही दिया था। और अभी दाऊद राजा वो आराधना कर रहे और आराधना में बोल रहे कि परमेश्वर के सामर्थ को ढूंढो, परमेश्वर के सामर्थ को ढूंढो। अब परमेश्वर का सामर्थ जो भी है वो दाऊद को पूरा पूरा पता चल गया और दाऊद को पता है कि परमेश्वर का सामर्थ चीज है क्या। पूरी तरह से पूर्ण रीति से उनको पता है कि परमेश्वर का सामर्थ वो कोई ऐसा वैसा नहीं। फिर दाऊद राजा से गलती हो गई थी जब उन्होंने गिनती का पाप किया और तब परमेश्वर ने उनके पास एक भविष्यवक्ता को भेजा और भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने 3 बातें बोली। बोले जाकर उनको बोल दे कि तूने जो पाप किया है उसके बदले में उसे कौन सा दंड दिया जाए। और तब भविष्यवक्ता ने जाकर दाऊद को ये सारी बातें बताई। और हम पढ़ते हैं पहला इतिहास उसका 21वां अध्याय और उसका 13वां पद। दाऊद ने गाड़ने कहूं मैं घणी मुश्किल में आवी पड़ो छु, मारे तो यहोवा ना जो हाथ में पड़ू, क्योंकि तेरी कृपा अत्यंत छे,
जब तीन बातें इस भविष्यवक्ता ने दाऊद राजा को बताई कि तीन बातें परमेश्वर ने कहा है कि तीन में से कौन सी विपत्ति तुझ पर आ पड़ेगी, तू बता तूने गलती की, परमेश्वर ने तीन दंड फरमाए, तीन में से कोई भी एक तुझे जो पसंद है तू बोल दे। और तब दाऊद ने क्या बोला, मैं तो परमेश्वर के हाथ में पड़ने वाला हूं, परमेश्वर को जो ठीक लगे बस परमेश्वर वही करे, और मैं तो परमेश्वर के हाथों में आने वाला। एक बार फिर से पढ़ो ये पद, दाऊद ने गार्डन में कोई हूं वो घणे मुश्किल में आवे पड़े छु, मारे तो यहोवा ना हाथ पा पड़ू। हां, मैं तो परमेश्वर के हाथ में ही गिरने वाला हूं, क्योंकि वो सामर्थ्य है, उस उनका सामर्थ्य पता चल गया, मैं उनको हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं उनके हाथ में पड़ने वाला हूं, अभी मैं उनके हाथ में पड़ने वाला हूं, उनको जो अच्छा लगे बस वही करे। और पढ़ो उसका बारवां पद, तीन बातें बताई थी, क्या तो 3 साल अकाल पड़े तेरे देश में, या तो शत्रु शैतान आ जाए और तेरे दुश्मन तेरे ऊपर चढ़कर आ जाए और 3 महीने तक तुझे भगाते रहे, या तो फिर 3 दिन तक मरी चले, बोल क्या करना है तुझे। ये 3 बातें परमेश्वर बताई थी, और यही बात हम पढ़ते हैं 2 शमूएल में उसका 24वां अध्याय, यहाँ पर हाथ रखना, 2 शमूएल उसका 24वां अध्याय उसका 13वां पद। માટે ગાડે દાઉદ પાસે આવી તને ખબર આપીને કહ્યું કે તારા દેશમાં 7 વર્ષ સુધી દુકાળ પડ્યો, યહાં પર કા 7 સાલ તક અકાલ, ઓર ઇતિહાસ મે ક્યા લિખા હૈ 3 સાલ। अब देखो, एक ही भविष्यवक्ता 2 बात बताते, जब शमूएल में पढ़ते तो ऐसा लिखा है कि 7 साल और इतिहास में लिखा है 3 साल, क्यों ये 2 जगह पर अलग अलग लिखा हुआ है। उस वक्त शाऊल की जो फैमिली, उन्होंने जो पाप किया था उसकी वजह से अकाल चल ही रहा था, और अकाल को चलते चलते 4 साल हो चुके थे, और इसलिए जो शमूएल का पुस्तक लिखा जाता है तो लिखने वाले ये लिखते वो 4 साल को भी गिनती में, 4 साल तो हो ही चुके, बोले क्या 7 साल तक अकाल चले, बस 3 साल और बाकी रहेंगे, या तो अभी ख़त्म कर दे। और इतिहास में जब लिखते तो 4 साल तो साउल के लिए थे, तो उसको बोले बोलो, लेकिन क्या तेरे लिए 3 साल अकाल पड़े, तो दोनों बातें सही है, ये तो हमारा भी सही नहीं है। सिर्फ इसलिए पता कि कभी अगर कहीं पर कोई भरमाने का प्रयत्न करे कि आपके बाइबल में गलत लिखा है, तो ऐसा नहीं, लेकिन 2 शमूएल अगर उसके 2-4 चैप्टर पहले से पढ़ोगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि शाऊल और उसके खूनी की वजह से वहाँ पर अकाल पड़ा था, और लगातार 3 साल तक अकाल चला, और उसके बाद ये सारी घटनाएं बनती है, उसमें 1 साल चला जाता है, उसके बाद की बातें कि गात भविष्यवक्ता आकर कहते हैं कि 7 साल मतलब 4 साल वो और 3 साल अभी तूने जो गुनाह किया उसकी वजह से, तो 7 भी सही है और 3 भी सही है, बस हमें उसको समझना है। चलो कोई बात नहीं, हमें तो कुछ और परमेश्वर दिखाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन ये तो सिर्फ हमारे जानकारी के लिए। तो दाऊद ने क्या बोला, दाऊद ने बोला कि मैं तो परमेश्वर के हाथ में गिरने वाला हूँ, परमेश्वर 3 बातें बताई, लेकिन पहली बात क्या है, अकाल, हो सकता है मैं मर जाऊँ भूखा प्यासा, दूसरी बात मेरे शत्रु शैतान वो आए वो राजा मुझ पर चढ़ाई कर कराए, हो सकता है मैं मर जाऊँ 3 महीने के अंदर, लेकिन परमेश्वर अगर कुछ करते हैं तो कोई बात नहीं, मैं परमेश्वर के हाथ में ही पड़ता हूँ। अभी देखो, आप किसी के ऊपर इतना गुस्से हो और आप उसको ये 3 बातें बताते हो, चलो बोल 3 महीने तक कोई तुझे मारे, या तो फिर 3 साल तक अकाल पड़े, या तो 3 दिन तक मैं मारूं तुझे, वो बोलता है गोद में बैठकर, बोले आप भी मुझे मारो ना, अब कैसे मारूं उसको, गोद में ही बैठ गया वो, अब मारे कैसे, बोल मैं तो परमेश्वर के हाथ में ही पड़ता हूँ, वो तो परमेश्वर गोद में जाकर ही बैठ गया, परमेश्वर मारे तो भी कैसे मारे। देखो दाऊद को कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ दाऊद को, दाऊद बोलते मैं तो आपकी गोद में बैठ जाऊँगा, आपको जो करना है करो, मैं तो परमेश्वर के हाथ में पड़ूंगा, क्यों, परमेश्वर का सामर्थ्य दिखा हुआ है, अगर परमेश्वर के सामर्थ्य थोड़ा सा भी इधर उधर गया तो मैं खत्म हो सकता हूँ, इससे अच्छा परमेश्वर के सामर्थ्य में चले जाओ, परमेश्वर के पास चले जाओ, परमेश्वर के हाथों में गिर जाओ। और इसलिए उन्होंने तो जाहिर कर दिया मैं तो परमेश्वर के हाथों में गिरने वाला हूं, तो देखो उसने गलती की, फिर भी वो बचाए गए और उनको वहां पर कुछ भी नहीं हुआ।
जब परमेश्वर ने अब्राहम को बोला था, अब्राहम को चुना था और अब्राहम को बोला, अब्राहम चल, जो देश में तुझे दिखाता हूं उसमें तू चल। और वहां पर लिखा है, हम पढ़ते हैं उत्पत्ति उसका 12वां अध्याय और उसका 5वां पद। इब्राहिम ने पोतानी स्त्री सारा ने तथा पोताना भत्रीजा लूत ने तथा जे सर्व संपत्ति तोय मेळी हती तथा जे माणसो तेमने हारान मा प्राप्त थया हता तेओने साथे लीधा अने तेओ कनान देश मा जवा निकळ्या ने कनान देश मा आवी पहोंच्या। देखो लोग वहां तक पहुंच गए जहां पर परमेश्वर ने बोला था, वहां पर वो लोग पहुंच गए। अभी देखो परमेश्वर के हाथ को पकड़ना और परमेश्वर के हाथ में पड़ना, ये दोनों में बहुत अंतर है। और आज ज़्यादातर ये हो रहा है कि लोग परमेश्वर का हाथ पकड़ते हैं। सुनने को मिलता है, मैंने परमेश्वर को नहीं छोड़ा, इसका मतलब क्या है? तूने पकड़ा है परमेश्वर को। मैं परमेश्वर को छोड़ नहीं सकता, इसका मतलब मैंने परमेश्वर को पकड़ कर रखा है। आज ज़्यादातर लोग यही करते कि परमेश्वर को पकड़ कर रखते, परमेश्वर का हाथ पकड़ लेते। और यही काम अब्राहम ने भी किया था, परमेश्वर का हाथ पकड़ लिया। और जैसे वहाँ पर अकाल पड़ा कनान देश में, हाथ छोड़ दिए, प्रभु आप यहाँ पर हो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मिस्र देश में चले गए। फिर मिलता है तो बोलना भाई है, अभी मेलेख मिलता है तो बोलना भाई है बोलना, बोले मेरे दासी के पास है तो बोले अभी चलता हूँ, क्योंकि परमेश्वर का हाथ छोड़ दिया। अब परमेश्वर साथ में नहीं तो फिर कोई भी पाप हो जाता है। क्यों ये लोग गिर जाते थे और गिरने के बाद स्थिर क्यों हुए? गिरने का कारण यही था, ये लोग परमेश्वर का हाथ पकड़ लेते थे। और हाथ पकड़ लेते थे तो जब भी ऐसी कोई परिस्थिति आती थी तो हाथ छोड़ भी देते थे। और अब्राहम ने ऐसी परिस्थितियां उनके जीवन में आई और उन्होंने परमेश्वर का जो हाथ था वो हाथ छोड़ भी दिया। मूसा ने भी परमेश्वर का हाथ पकड़ कर रखा, लेकिन एक बार बहुत ही गुस्सा हो गए, लोगों को इकट्ठा किया, परमेश्वर को बोला कि बोलना चट्टान को कि मुझे पानी दे। लेकिन मूसा और हारून दोनों इकट्ठा होकर लोगों को इकट्ठा कर बोलते हम पानी निकाले क्या? तो क्या अभी तक तुम लोग निकालते थे? अब तक तो परमेश्वर निकालते थे, लेकिन अब हाथ छोड़ा हुआ है ना तो भूल गए कि परमेश्वर निकालते थे, हम पानी निकाले क्या? और दो डांग मार दी, पानी तो फिर भी निकल गया। लेकिन उस वक्त मूसा ने भी जो परमेश्वर का हाथ नहीं छोड़ना चाहिए था, वो मूसा ने भी परमेश्वर का हाथ वो छोड़ दिया था। सुलेमान राजा को दर्शन हुए थे, परमेश्वर उनको ज्ञान दिया था, लेकिन पराई औरतों के कारण उन्होंने परमेश्वर का जो हाथ था वो परमेश्वर का हाथ उन्होंने छोड़ दिया। बाद में यही सभी लोग वो अच्छे से भी चले और अच्छे से ये सभी लोग आगे भी बढ़े, लेकिन ऐसा होता था इनके जीवन में कि लोग हाथ छोड़ देते थे। और आज भी बहुत ध्यान से समझना, आज भी जितने भी इंसान परमेश्वर का हाथ पकड़ते हैं वो आज नहीं तो कल वो छोड़ ही देते हैं। या तो दिन में 10 बार पकड़ते हैं और 10 बार छोड़ देते हैं। ऐसी परिस्थिति आज विश्वासी लोगों में, ऐसी परिस्थिति आज आत्मिक लोगों में भी, ऐसी परिस्थितियाँ जो है वो देखने को मिलती है। अभी देखो हम कितने शांत बैठे, अभी प्रार्थना के बाद देखना जब आखिरी प्रार्थना चल रही होगी, अभी तो पूरी तरह से पकड़ कर रखा है परमेश्वर ने। बाद में हर बार आवाज मत करो, प्रार्थना हो रही वो तो आप कर रहे हो किसी के लिए कर, वो दोनों शांत रहे, हमें क्या, तुरंत हाथ छोड़ देते, हाथ मत छोड़ना। तो जब इंसान हाथ पकड़ता है छोड़ देता है, मैंने परीक्षा शुरू इसलिए कि ना तो किसी को इनाम मिलने वाला है, ना तो परीक्षा से कोई स्वर्ग में जाने वाला है, ना ही कोई नरक में जाने वाला है उससे। परीक्षा से स्वर्ग में नहीं जाना मतलब ऐसा नहीं कि कोई नहीं जाने वाला, और नरक में नहीं जाने वाला उसका मतलब कि नरक में बीच में कोई जगह है ही नहीं। कहने का मतलब परीक्षा से दो में से कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन ये मैंने इसलिए किया था कि मैं देख रहा था लोगों के जीवन में बाइबल की पढ़ाई कम है, और इसलिए मैं चाहता था कि लोग ज़्यादा बाइबल पढ़ें। मैं एक साथ उत्पत्ति के 50 चैप्टर हमने 2 ही हफ्ते में ख़त्म कर दिया, 25 चैप्टर लिख। उसका कारण क्या था? इसका कारण यही था कि लोग ज़्यादा पढ़ें। पिछली बार ये भी
बताया था कि 10 पन्ने पढ़ने में टाइम कितना लगता है, तो सभी ने उत्तर दिया था उसमें से ज़्यादा किसी ने घंटा बताया था। मैंने बोला कोई बात नहीं, 2 घंटे मान लो चलो, तो 2 घंटे भी अगर हम खर्च करते तो अभी 3 महीने 18 दिन में ये गुजराती बाइबल ख़त्म हो सकता है हमारा। लेकिन जब मार्क्स आते हैं लोगों के तो पता चलता है कि एग्ज़ाम कैसे दे रहे, बिना पढ़े पढ़ते नहीं। मुझे ऐसा था कि कोई बात नहीं पहली बार तो ऐसा होगा लेकिन फिर शर्म आएगी। हालेलुया, देखो अभी व्यस्त है। तो कैसे हो बेशर्म, चाहे कितने भी मार्क आए, ये खुद के लिए, ये इसलिए कि हम पढ़े, मार्क की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन मार्क से पता चलता है कि आप कितना पढ़ते हो, उससे पता चलता है कि जो सिखा रहा है उसकी इज्जत कितनी करते हो, घर पर जाकर उसका मानते कितना हो। जब भी प्रार्थना होती है तो प्रार्थना तो ऐसे करते कि परमेश्वर आप वचन रखना, पवित्र आत्मा आप बोलना, तो पवित्र आत्मा बोलते तो उनकी इज्जत कितनी की, कितनों ने घर पर जाकर पढ़ा। आज कितने ऐसे लोग हैं जो लेवी 1 से 14 अच्छी तरह से पूरी तरह से पढ़कर आए। मैं पिछली बार भी बोला था 25 में से 25 मार्क आने चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ तो हम बाइबल पढ़ेंगे, कुछ तो अंदर जाएगा, तो कुछ तो उसके अनुसार चल पाएंगे हम लोग। हमें बढ़ना है, हमें कम नहीं होना है, हमें आगे बढ़ना है। ये सारी बातें इसी के लिए। अगर मुझे कोई ये तो बताए कि मुझे टाइम नहीं मिलता, क्योंकि व्हाट्सएप देखकर फेसबुक देखकर पता तो चल जाता है कि वीडियो डाउनलोड भी होते हैं अपलोड भी होते, और वो भी कैसे फालतू, जिसमें परमेश्वर का तो नाम ही नहीं होता है। एक भाई साहब ने मुझे वीडियो भेजा, मैं उसको बहुत अच्छा समझता था, मैंने डाउनलोड किया, उसमें तो कुछ और ही बात है। दूसरी बार भेजा, दूसरी बार डाउनलोड किया, मैं चलो एक बार गलती हो गई थी, एक बार तो मैंने सामने से लिख कर भेज दिया, मेरा धर्म परिवर्तन कर लिया क्या, ये कैसे वीडियो भेज रहे हो, तब से बंद ही कर दिया। बोला किसी के वीडियो डाउनलोड ही नहीं करने, बस किसी के फोटो डाउनलोड ही नहीं करने, हम जिसको आत्मिक समझ कर कर रहे लेकिन भेज क्या रहे, इसका मतलब फालतू में टाइम है। एक परिवार में मैं गया, बहन जी थे, उसका पति सेवक था। बहन जी पहले दिखा दी, कहाँ है सेवक साहब, मैंने से कुछ कहा, बोले क्या सेवक सेवक बोलते हो, तो घर के बाहर सेवक है, घर में तो मोबाइल छोड़ते ही नहीं, बोले मोबाइल पे बैठे रहते, तो बाहर क्या है अंदर क्या है, बाहर परमेश्वर का हाथ पकड़ा हुआ है और घर में हाथ छोड़ा हुआ है। ये लोग गिरते थे, इसका कारण ये था कि परमेश्वर का हाथ ये लोग पकड़ कर चलते थे, और जब परिस्थिति ऐसी आती थी छोड़ देते थे परमेश्वर का हाथ, खुद पकड़ते हैं और खुद छोड़ देते, परमेश्वर के वचन पढ़ते नहीं। लेकिन परमेश्वर ने आंखें भी अजीब सी दी है, बहुत छोटी सी आंख, लेकिन दिखती कितना है, दिखती बहुत है वो। एक स्कूल में पूछा गया, बोले आप दूर तक कब कहाँ तक देख सकते हो, एक विद्यार्थी था उसने तो कुछ नाप कर बता दिया, मालूम नहीं कितने 1000 किलोमीटर उसने बोले, बोले ऐसा कैसे, बोले चांद दिखता है, चांद का नाप दे दिया था उसने, बोले वहाँ तक दिखता है मुझे तो। देखो परमेश्वर ने आँखें कितनी अच्छी दी है, हम छोटे छोटे सितारे जो हम छोटे दिखते वो भी देख सकते, प्लेन कितना ऊपर चला जाता है फिर भी हम उसको देख सकते, लेकिन खुद को नहीं देख सकते, है ना, आंखें कैसी दी, इंसान खुद को देखता है। अब ये सारी बातें नहीं नजर आएगी, और कोई कुछ भी करेगा तो वो ऐसा करता है, वो ऐसा करती है, तुरंत निंदा, तुरंत दूसरी बातें, ये सारी बातें लोगों को दिखाई देते, लेकिन खुद के अंदर कब हाथ पकड़ते और कब छोड़ते वो इंसान को जो पता चलना चाहिए, जो दिखना चाहिए वो दिखता नहीं। बिंदास रहते हैं दूसरों की बातें देखकर, मैं तो उसके समान नहीं हूँ, मैं तो इसके समान नहीं हूँ। जब प्रभु यीशु ने स्वर्ग के राज के बारे में बताया तो उन्होंने एक दृष्टांत दिया, और मत्ती 25 में उसके बारे में लिखा है, जो 5 सिक्के और 2 सिक्के
और तीन सिक्के की है, पांच सिक्के, दो सिक्के और एक सिक्के की जो बातें वहां पर बताई हुई थी, उसमें से जिसके पास पांच सिक्के थे वो दूसरे पांच कमा कर लेकर आता है, जिसके पास दो थे वो दो और कमा कर लेकर आता है, और जिसके पास एक था वो क्या करता है, गाड़ कर रखता है। और जब उसका स्वामी आता है, निकाह करते देता है, लो स्वामी, बोले तेरे पास वही है जो मैं देकर गया, बोले हाँ वही है। बोले ऐसा क्यों है, पांच वाले तो पांच लेकर आए, दो वाले और दो लेकर आए, और तू क्यों नहीं? बोले स्वामी आप तो ऐसे हो कि जहाँ पर बिखरते नहीं वहाँ पर बटोरने के लिए आ जाते हो, जहाँ पर बीजते नहीं वहाँ पर काटने के लिए आ जाते हो। मैंने ऐसा सख्त इंसान आपको जाना, इसलिए मैंने सोचा मेरे पास नहीं रहेगा तो मैंने आपका जो है संभाल कर रखा था, ये लो आपका। बोले जब तू जानता था मैं ऐसा सख्त इंसान हूँ, तुझे विश्वास था मैं ऐसा ही हूँ, तब तो तुझे सही से काम करना चाहिए था, ये विश्वास ही है। लेकिन विश्वास के काम कोई नहीं है इसके जीवन में, ये विश्वास योग्य नहीं है। विश्वास ही है लेकिन विश्वास का जो काम होना चाहिए उसके काम उसके अंदर थोड़ा सा भी नहीं। लेकिन पांच वाला वो विश्वास तो करता था और विश्वास के काम भी उसने कर दिखाए, और वो लोग आशीषित भी हुए। आज फरवरी 25 वाला आखिरी संडे, दो महीने हो गए 2018 के, टारगेट रखा था कि हर महीने कम से कम एक आत्मा जीतना है। कहाँ है आत्मा? इस पर हमने टारगेट बनाया है कि साल में ज़्यादा नहीं 12 आत्मा तो जीतना ही जीतना है। अभी दो महीने हो गए, अभी तक कोई ठिकाना नहीं, अभी तक आत्मा जीत नहीं पाए। चलो जीतने की बात तो दूर, किसी को कन्विंस कर यहाँ तक भी हम लेकर नहीं आ सके कि चलो एक बार मीटिंग में तो चलो, ये भी तो नहीं हुआ, जीतने की बात तो भी दूर है। टारगेट बनाने के बाद हम करते क्या है, हम देखते क्या है, एक सिक्के वाले ने किया क्या, कुछ भी तो कमाई नहीं की, कुछ भी तो उसने कमा कर नहीं बताया, और उसके पास वहाँ पर कुछ नहीं था। और हो सकता अगर जीत कर भी आते, लेकिन पहले कुरंथी में ऐसा लिखा है, पहला कुरंथी उसका 9वां अध्याय और उसका 27वां पद, पॉलुस को एक डर है, बहुत आत्मा जीत कर आ जाऊं, मैं बहुत लोगों को जीत लूं, लेकिन अगर मैं नाश हो गया तो। देखो हम आत्मा तो जीत नहीं सकते, लेकिन जो जीते हुए आत्मा वाला इंसान है वो जीतने के बाद भी उसको डर है, मैं तो जीत लिया आत्मा की लेकिन मैं ही नाश में गया तो। इसका मतलब ये है कि आत्मा जीतने के बाद भी ये भी तो एक डर है कि दूसरे को तो बचा लिया लेकिन खुद मर गए तो, खुद नरक में चले गए तो पौल उसको एक अंदर से डर है, कहीं मैं चला गया तो नाश में। क्यों डर होता है, क्यों पौलुस को डर है अंदर से? पौलुस को डर है इसलिए शरीर के काम, बोलते मैं अपने शरीर को लगातार मारते रहता हूँ, मैं अपने शरीर को मारता कूटता हूँ ताकि वो मुझे नाश की ओर ना लेकर जाए, मैं मेरे शरीर की इच्छाओं को मैं पूरी नहीं करता, शरीर के जो काम है वो हमें नाश की ओर लेकर जा रहे। हम दूसरे का आत्मा जीत कर तो आते लेकिन खुद का आत्मा नहीं बचाया तो। आज लोग परमेश्वर का हाथ तो पकड़ लेते, समय पर छोड़ भी देते। एक पास्टर साहब ने बहुत बड़ा प्रचार किया, जब प्रचार किया तो वहाँ पर कई लोग जो थे उन लोगों ने पश्चाताप किया, उन लोगों ने अपने आप का जीवन वो परमेश्वर को समर्पित कर दिया। और वहाँ पर एक भाई साहब थे, उन्होंने देखा कि परमेश्वर ने कितना बढ़िया इसका इस्तेमाल किया, लेकिन उन्हीं को उस भाई ने प्रचार शुरू होने से पहले जर्दा खाते हुए देखा था, वो इधर उधर देखकर वो जर्दा खाने लग गए थे, और एक भाई साहब ने देख लिया उनको, अभी देखो इतने आत्मा जीते उनके जरिए कई लोगों ने पश्चाताप किया, लेकिन खुद की आत्मा कहाँ है? वो तो खुद जर्दा खा रहे, वो तो पक्का नरक में जाएंगे, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं, जिसने मेरे लिए प्रार्थना की थी।
आज मैं तो बचाया गया, आज परमेश्वर मेरा तो इस्तेमाल कर रहे, लेकिन आज वो लोग कहां पर है मालूम नहीं। वो पूरा कपल आज परमेश्वर में तो है ही नहीं, और व्यसन में, गालियां गलौच में, लड़ाई झगड़े में, निंदा में फंसे हुए, मालूम नहीं वो लोग कहां पर जाएंगे। और कई बार जब ऐसी बातें करते तो लोग बोल देते न्याय मत करो किसी का, न्याय करने की बात नहीं। कोई इंसान पीछे देखकर या दाएं बाएं देखकर जा रहे हैं, सामने खड्डा है तो क्या हम उसको बोल नहीं सकते भाई साहब आगे देख वरना खड्डे में गिर जाएगा? ये कोई न्याय की बात नहीं है, ये कोई दोष लगाने की बात नहीं है, ये किसी का न्याय क्या नहीं, ये तो हम देख रहे हैं ऐसा हो रहा है, ये जा रहा है आगे खड्डा है गिरने वाला है, तो उसको रोको, उसको बताओ तू गिरने वाला है, ये कोई न्याय की बात नहीं है। और आज अगर आत्मा भी जीत लिया लेकिन उसके बाद अगर खुद को नहीं बचा दे तो फिर उसका फायदा क्या, वो इंसान वो जाएंगे कहाँ? बाहर सुसमाचार और घर में मोबाइल पर, तो फिर कहाँ जाएगा जीवन उसका? वो कहाँ पर वो जा सकता है? वो तो नरक में ही जाएगा। पौलुस ने तो बता दिया, वहाँ पर लिखा हुआ है दूसरे तीमुथी में उसका चौथा अध्याय और उसका सातवां पद, दूसरा तीमुथी चौथा अध्याय सातवां पद। वो सारी लड़ाई लड़े हुए मैं दौड़ पूरी करी छे विश्वास रखियो छे। देखो पौलुस कहते हैं मैंने मेरा काम पूरा किया, अभी अपनी आयु के आखिरी छोर पर है, उनको पता है मैं मरने वाला हूँ, बोले मेरा समय आ चुका है लेकिन मैंने मेरा काम पूरा किया है। यही पौलुस जब रोमियो को लिखते तो क्या लिखता है, बोले जो मैं चाहता नहीं वो मैं कर देता हूँ, इसका मतलब मेरे अंदर पाप है, ऐसा पौलुस ने लिखा रोमियो उसके सातवें अध्याय में लिखा हुआ है सारी बातें। इसका मतलब पौलुस से भी गलती हो जाती थी, और पौलुस से जो गलती होती थी इसी के कारण उन्होंने कहा कि मैं तो आत्मा जीत कर लेकर आओ, दूसरों को मैं तो बचा लूँ, लेकिन मैं ही नाश में चला गया, तो एक डर था उनको, उस डर की वजह से वो आगे बढ़े और आती मौत को हिम्मत से बोलते मेरी मौत पास में आ चुकी है, मैं मरने वाला हूँ लेकिन मुझे परमेश्वर जो काम दिया था आज मैं पूरा कर चुका हूँ, मैं स्वर्ग में जाने वाला हूँ, आज उनको पक्की तरह से पता है। लेकिन जब वो ऐसा लिख रहे थे कि मेरे अंदर पाप है जो नहीं करना चाहिए वो मैं कर देता हूँ, उस वक्त अगर प्रभु से दूसरी बार आ गए होते तो पौलुस कहाँ होते? चाहे उन्होंने इतनी कलीसिया बना ली थी, कहाँ होते पौलुस? जाते ना नरक में, चाहे कितने भी आत्मा जीत कर लेकर आते, लेकिन अगर पाप में पड़े हुए अगर पकड़ा जाते या तो उसी वक्त प्रभु सुखाना हो जाता, जब वो बोल रहे हैं कि मैं जो करना नहीं चाहता ऐसा मुझसे हो जाता है, जिस वक्त ऐसा हो गया था उन्होंने क्षमा नहीं मांगी थी, अभी तो हुआ ही, और उसी वक्त प्रभु सुखा दूसरी बार आ गए होते तो, या तो उनकी मौत उस वक्त आ गई होती तो पौलुस कहां गए होते? पौलुस पक्का उस वक्त वो नरक में चले गए होते, पौलुस उस वक्त मर गए होते, एक सिक्के वाला उससे कुछ भी नहीं किया और वो मारा गया। अगर पौलुस मार दिए जाते, अगर पौलुस ने जिस वक्त ऐसे काम किए होंगे जब उससे गलती हो गई होगी और तब प्रभु से दूसरी बार आ गए होते, उनके फल का क्या होता? जो फल उन्होंने इकट्ठे किए थे, जिसके पास एक सिक्का था, परमेश्वर ने क्या किया उस सिक्के का? उसके पास से लिया, 10 वाले को दे दिया। हालेलुया। फल की फिक्र मत करना, वो कहाँ जाएंगे, वो तो परमेश्वर किसी और के नाम पर लिख देंगे, लेकिन खुद का क्या, खुद का क्या होगा? अगर खुद नहीं बच पाए तो क्या होगा? जो वचन आज हमने पढ़ा था हग गए भविष्यवक्ता का पुस्तक, उसका पहला अध्याय, और हमने पढ़ा था उसके पहले पद से लेकर छठवें पद तक, और वहाँ पर हग गए भविष्यवक्ता हमें कुछ बात बताने जा रहे, और वहाँ पर कोई छठवां पद पढ़ो तो उसका परमेश्वर का वचन कहता है जो इंसान कमाई करता है वो अपनी कमाई कहाँ पर डालते हैं? छेद वाली थैली में।
थैले से हाथ में इंसान पकड़ कर लेकर जाता है, जो भी आता है उसमें रख कर जाता है, नीचे छेद है, उस छेद में से धीरे धीरे सब कुछ निकलते जा रहा है। जब घर पर पहुंचता है और थैले देखता है तो कुछ भी नहीं, वो तो भर भर कर लेकर आता था, लेकिन घर पर पहुंचा तो कुछ भी नहीं। बोले तुम लोग कमाई तो करते हो लेकिन कमाई कहां पर डालते हो, छेद वाली थैली में, और उस छेद के अंदर से सब कुछ चला जाता है। लोग परमेश्वर का हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं मैं परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ूंगा, मैंने परमेश्वर को पकड़ लिया, मैंने परमेश्वर को पा लिया और अब मैं परमेश्वर को मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा, मैंने परमेश्वर का हाथ पकड़ा हुआ है, अब मैं परमेश्वर को कभी भी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन याकूब की पत्री में ऐसा लिखा है, सॉरी यहोशू की पुस्तक में ऐसा लिखा है, यहोशू की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसका पांचवा पद, परमेश्वर यहोशू को ऐसा बोलते हैं, तेरी पूरी आयु के दौरान तेरे आगे कोई भी इंसान तेरे सामने नहीं टिक पाएगा। क्यों? जब मूसा नहीं साथे हूँ रहे हो, जब तारी साथे पन रही, तू तने तर्जिस नहीं, मैं तने मुखी देश नहीं। हालेलुया। क्या बोलते हैं परमेश्वर? ना मैं तुझे छोड़ूंगा, ना मैं तुझे त्यागूंगा। इसका मतलब क्या हुआ? परमेश्वर ने पकड़ा है। हालेलुया। परमेश्वर बोलते मैं नहीं छोड़ूंगा, तो पकड़ा किसने? तो परमेश्वर क्या बोलते, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं त्यागूंगा। अगर यहोशू ने पकड़ कर रखा होता तो परमेश्वर बोलते मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, फिर तो बहुत तेरा भरोसा है, तू तो कभी भी छोड़कर जा सकता है। क्यों अब्राहम गिर गए थे? क्यों मूसा गिर चुके थे? क्यों दाऊद गिरे थे? क्यों सुलेमान गिरे थे? क्यों बाद में उठे तो बाद में गिरे नहीं? क्योंकि उन सबको पता चल गया परमेश्वर का सामर्थ्य है क्या। हम हाथ पकड़ते तो हम कभी भी छोड़ देते, लेकिन मेरा परमेश्वर अगर मेरा हाथ पकड़ेगा वो कभी नहीं छोड़ सकता। हालेलुया। और इन सबको पता चल गया, इसलिए देखो दाऊद का नाम आज बाइबल में है, सुलेमान का नाम आज बाइबल, उसके समान ज्ञानी कोई नहीं हुआ, दाऊद के समान कोई राजा नहीं हुआ, मूसा के समान कोई भविष्यवक्ता पैदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अब परमेश्वर के हाथों में गिर गए लोग और परमेश्वर ने उनको पकड़ा, और परमेश्वर ने जब पकड़ कर रखा है, हालेलुया, अब कैसे छूट पाएंगे? परमेश्वर बोलते हैं यहोशू को, यहोशू मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा और मैं तुझे नहीं त्यागूंगा। परमेश्वर को मत पकड़ो, परमेश्वर को बोलो आप मुझे पकड़ लो, क्योंकि ऐसा भविष्यवक्ता में लिखा है उसका 49:49 और उसका 15 पद, यशया 49:15। सुस्त्री पोताना पेटना दीकरा पर दया न करे एवी रीते के ते पोताना धावना बाड़क ने विसरी जाए। हाँ, क्या माँ एक दूध पीते हुए बच्चे को क्या छोड़ सकती है? हाँ कलर्स ते हो विसरे। हाँ, वो छोड़ सकती है, छोड़ दे, हो सकता है ऐसा, लेकिन परंतु हूँ तने विसरीस नहीं। हालेलुया। देखो ये परमेश्वर का वचन, माँ के लिए परमेश्वर को छोड़ने की बात मत करो, माँ छोड़ सकती है, और किसी की माँ आज तक किसी को पकड़ कर नहीं बैठी, छोड़कर चली ही गई है, जिसकी है उनकी कल चली जाएगी, लेकिन जाएगी ये बात तो सही है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर बोलते मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे। एक माँ दूध पीते हुए बच्चे को छोड़ सकती है, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ सकता, क्योंकि पकड़ा किसने है? परमेश्वर ने पकड़ा है। अब देखो परमेश्वर ने पकड़ा है, अब चाहे कैसी भी परिस्थिति चारों और धरती कम हो रही तो डर है, परमेश्वर कितने बड़े, धरती कैसी दिखती है उनके सामने, एक गोटी के समान, अगर धरती का मुझे परमेश्वर ऐसे उठा दे तो हम तो आसमान और धरती के बीच में क्या होने वाला है, बहुत बाढ़ आ जाए, पूरी दुनिया डूब जाए, परमेश्वर ऐसे उठा ले कुछ होने वाले? मतलब परमेश्वर ने हमको पकड़ा तो कुछ हो सकता है हमें कुछ भी नहीं हो सकता। और परमेश्वर कहते हैं मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, और यूहन्ना में लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसका 28:29 पद, क्या कहते हैं, मेरे हाथ से उन्हें कोई लूट नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता, परमेश्वर के हाथों से, प्रभु यीशु बोलते हैं,
परमेश्वर जब अगर हम पकड़ते ऐसे, अगर प्रभु सुन आपको पकड़ ले, किसी की ताकत नहीं कि आपको छुड़ा सके, शैतान की ताकत नहीं कि परमेश्वर के हाथों से आपको वहां से बाहर निकाल सके, आपके पास निंदा करवा सके। अगर आप परमेश्वर के हाथों में हो, परमेश्वर ने अगर आपको पकड़ा हुआ है, तो शैतान की कोई ताकत नहीं आपको छुड़ा से उस वहां से छीन लाए। और आगे पढ़ो तो क्या लिखा है, मेरे बाप के हाथों से ऐसा कोई सामर्थ्य नहीं है जो तुम्हें छीन सके। कितनी बड़ी बात है। हम क्या है गिरते, इसका कारण क्या है, परमेश्वर को पकड़ लेते हैं। लेकिन परमेश्वर से कहो, परमेश्वर मैं नहीं पकड़ना चाहता, आप मुझे पकड़ो। और देखो परमेश्वर पकड़ेंगे तो बाइबल में लिखा है किसी की भी ताकत नहीं है कि वो छीन सके हमें। दाऊद ने क्या बोला गाद को, गाद भविष्यवक्ता है, बोले तीन बात रखता हूँ। परमेश्वर ने बोला, अरे अभी जवाब दे, परमेश्वर ने जवाब बोला कि बोले मैं तो परमेश्वर के हाथ में गिरता हूँ। मानो उनके हाथ में पड़ेंगे तो वो उठा कर रखेंगे, मारेंगे कैसे मुझे, परमेश्वर नहीं मार सकते। हम किसी को गोदी में बिठा कर मार सकते नहीं। और दाऊद ने ऐसा ही बोल दिया कि नहीं, मैं तो परमेश्वर के हाथों में पड़ूंगा। कभी पता चल गया परमेश्वर को हाथ लगाते हैं तो मार दिए जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारा हाथ पकड़ते हैं तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति, कोई भी शत्रु शैतान हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, और परमेश्वर के हाथों से हमें कोई भी नहीं छुड़ा सकता। अब बहुत ध्यान समझना कि परमेश्वर वचन के जरिए में समझाना क्या चाहते हैं। मूसा ने जिस वक्त गलती की, चलो प्रभु उस वक्त तो नहीं आए थे, पहली बार भी नहीं आए थे, लेकिन सिर्फ हम समझते अगर उस वक्त प्रभु यीशु का दूसरी बार आना हो गया होता तो मूसा कहाँ जाते, बोलिए मूसा कहाँ जाते। हालेलुया, डर रहे हो। अगर उस वक्त जब मूसा ने गलती की और उस वक्त प्रभु से का दूसरा आगमन हो गया होता तो मूसा कहाँ होते, मूसा नरक में होते। सुलेमान ने जब गलती की तब प्रभु से का दूसरा आगमन हो गया था तो कहाँ होते। अगर दाऊद ने गलती की तब प्रभु से दूसरी बार आ गए होते तो कहाँ होते हो। इसका मतलब उनकी जो अच्छाइयां थी पहले वाली, क्या परमेश्वर याद करते, नहीं करते। हमने याजकल में पहले ही पढ़ लिया कि परमेश्वर आखिरी वक्त का देखेंगे कि आखिरी वक्त हम कैसे थे, और आखिरी वक्त का कोई ठिकाना नहीं, इसलिए हमें कैसा रहना है, हर वक्त तैयार। तो हर वक्त हम तैयार कैसे रह सकते, अगर परमेश्वर का हाथ पकड़ेंगे तो कभी ना कभी हम छुड़ा लेंगे। लेकिन परमेश्वर हाथ पकड़ेंगे तो फिर परमेश्वर हमको संभाल कर रखेंगे और परमेश्वर हमें कुछ भी नहीं होने देंगे। अब बहुत ध्यान समझ, जो हग्गई भविष्यवक्ता का पुस्तक हमने पढ़ा था उसका पहला अध्याय और छठवां पद एक बार फिर से पढ़ो। तो समय वावी छे तो बहु पण जे थोड़ू ज लागे छे, तमे खाओ छो पण धराने नहीं, तमे पीवो छो पण पीवाथी दुख थता नथी, तमे वस्त्र पहेरो छो पण કોઈમાં ગરમી આવતી નથી, અને જે માણસ કમાણી કરે છે તે માણસ પોતાની કમાણીને કાણી કોઠીમાં નાખે છે। जो भी कमाई करते हैं उसको छेद वाली थैली में डालते हैं। कहाँ पर डालते हैं, छेद वाली थैली में। मतलब जो भी कमाया छेद वाली थैली में डाला तो उसके हाथ में कुछ है, उसके हाथ में कुछ है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत ध्यान से समझो, परमेश्वर कहते हैं आत्मा से और सच्चाई से आराधना करने वाले को परमेश्वर ढूंढते हैं। आपने बहुत आत्मा से आराधना की, बहुत सच्चाई से आराधना की, उसके बाद आपने निंदा की, तो आपने आत्मा से सच्चाई से की हुई आराधना को कौन सी थैली में डाला, उसके बाद तो निंदा की। तो क्या परमेश्वर अब आराधना को देखेंगे, वो तो मना करते हैं, मैं नहीं देखूंगा, मैं तो आखिरी काम देखूंगा। अगर वो बुरा काम करने लग गया तो उसके नेक कामों में से, पुराने कामों में से, अच्छे कामों में से मैं कुछ भी नहीं याद नहीं करूंगा, तो आराधना करके डाली कहां। परमेश्वर कहते कि जब तू पास करे तो तू गुप्त में कर, और गुप्त में देखने वाला तेरा परमेश्वर तुझे बदला देगा, आपने अच्छे से उपवास किया, अब परमेश्वर बदला देने वाले। लेकिन उसके बाद आपने किसी के साथ लड़ाई की, किसी की ईर्ष्या की, उपवास कहां पर डाले, छेद वाली थैली में। परमेश्वर के जब तू दान करे तो किसी को पता ना चले, तेरा दाहिना हाथ अगर दान करता है तो बाएं हाथ को पता ना चले, आपने ऐसे ही दान दिया। लेकिन उसके बाद
किसी की और गलत निगाह से देखा तो कहां पर डाला दान? हालेलुया, समझ रहे हो ना कि आप जो भी करते हो परमेश्वर में रहकर, आप परमेश्वर का हाथ पकड़कर जो भी करते हो, लेकिन जिस वक्त आप परमेश्वर का हाथ छोड़ते हो, ये सारा छेद वाली थैली से चला जाता है, सब कुछ निकल जाता है। हाथ में आया क्या? इतनी मेहनत, इतनी आराधना, इतनी प्रार्थना, होल नाइट बाइबल पढ़ना, ये करना वो करना, लेकिन उसके बाद गलती करना, इसका साफ मतलब है कि उसको आपने छेद वाली थैली में डाल दिया। जब परमेश्वर के सिंहासन के पास जब आप खड़े होंगे और परमेश्वर थैली दिखाएंगे तो क्या दिखेगा उसमें से? अरे परमेश्वर में तो बहुत उपवास किए थे, हाँ किए थे, लेकिन थैली तो देखते रही, नीचे से छेद था, निंदा का छेद था, लड़ाई का छेद था, गुस्से का छेद था, झगड़े का छेद था, देखा नहीं तूने? अच्छा है तो बहुत करता था, अच्छी तरह बैठता था, प्रार्थना करता, सब कुछ, लेकिन उसके बाद जो तू करता था उसके जरिए छेद हो जाता था, तेरा सब कुछ वापस चला गया। अब क्या चाहिए तुझे? अब तो मेरे पास तेरे लिए एक ही, तेरे काम के अनुसार बदला। तो कौन से काम? जो निंदा की परमेश्वर ने पुस्तक में लिखा हुआ है उसको कौन मिटा सकता है? तो हक कहते कि कमाई तो करते हो लेकिन छेद वाली थैली में डालते हो। अगर छेद वाली थैली में डालना है तो मैं तो बोलता हूँ मीटिंग, उपवास, प्रार्थना सब कुछ बंद ही कर दो। कमाई करने के बाद भी छेद वाली थैली में डालना है, मिलने वाला कुछ है ही नहीं, इससे जा सब कुछ बंद कर दो। या तो इकट्ठा करना है तो परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर मैं आपका हाथ नहीं पकड़ सकता, मैं छोड़ देता हूँ, आप मेरा हाथ पकड़ो। और देखो दाऊद के समान आज तक कोई राजा नहीं हुआ, सुलेमान का जैसा कोई ज्ञानी नहीं हुआ, अब्राहम पूर्वज बन गए, क्योंकि इन लोगों को पता चल गया हमें हाथ पकड़ने से कोई फायदा नहीं। परमेश्वर को कहना है परमेश्वर आप हाथ पकड़ो। क्यों बार बार गिरना होता है, क्यों बार बार निंदा हो जाती, आप कभी भी हाथ छुड़ा लेते हो, लेकिन आज वक्त है परमेश्वर से कहो परमेश्वर मेरा हाथ पकड़ लो। परमेश्वर का सामर्थ्य ऐसा है कि उसको कोई हाथ दे नहीं सकता, हम परमेश्वर का हाथ नहीं पकड़ सकते, हमें उनको कोई सहारा नहीं देना है, उज्जा मारा गया, लेकिन हमें परमेश्वर से कहना है परमेश्वर आप मेरा हाथ पकड़ो, आपकी थैली कभी भी छेद वाली नहीं होगी, आप जो भी करते हो भर दिया जाएगा, आपकी थैली बड़ी होती जाएगी, आप बहुत कुछ कमाई करोगे, अच्छा फल लेकर आओगे, और वो टिकेगा भी अगर परमेश्वर आपका हाथ पकड़ेंगे तो। परमेश्वर का हाथ मत पकड़ो, परमेश्वर से कहो परमेश्वर आप मेरा हाथ पकड़ो। आओ हम आना को बंद करते हमारे मस्तकों को परमेश्वर के आगे झुकाते हैं, जो राजाओं के राजा हैं, जो प्रभु के प्रभु हैं। मेरे प्रियो इस समय है अपने आप को जांचने का, इस समय है आत्मा के आईने के सामने खुद को खड़ा रखने का। अपने आप को आज परखो, कहीं वो इंसान मैं तो नहीं, कहीं वो मेरा ही आत्मा तो नहीं, वो मेरा तो हाथ नहीं जो बार बार परमेश्वर को छोड़ देता है, आराधना तो अच्छे से करता है लेकिन उसके बाद निंदा कर कर आराधना को छेद वाली थैली से गवा देता है, उपवास तो करता है लोगों के लिए, प्रार्थना भी करता है लेकिन छेद वाली थैली से निकाल देता है, कहीं वो मैं तो नहीं? मेरे प्रिय जांचो अपने आप को, परखो फल क्यों नहीं आ रहे, पहचानो इसका कारण यही है, परमेश्वर का हाथ छोड़ दिया जाता है। लेकिन आज परमेश्वर से कहो परमेश्वर आप मेरा हाथ पकड़ो। और परमेश्वर ने यहोशू से कहा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं त्यागूंगा। अगर उन्होंने पकड़ लिया ये उनका वादा है, लेकिन ये वादा तभी है जब वो पकड़ते हैं। अगर आप हाथ पकड़ते हो और प्रभु से कहते हो प्रभु आप मेरा हाथ मत छोड़ना, ये नहीं हो सकता। प्रभु ने कहा तेरी माँ तुझे छोड़ सकती है लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। देखो कितना गहरा रिश्ता वो नहीं छोड़ने वाले, लेकिन तब जब उन्होंने हाथ पकड़ा हुआ है
ये मत कहो मैंने परमेश्वर को पकड़ा हुआ है, ये कहो कि परमेश्वर मुझे पकड़ लो, मैं हाथ देता हूँ। पतरस डूब रहा था, परमेश्वर ने हाथ पकड़ा के बचाया गया। अगर परमेश्वर हाथ पकड़ेंगे तो आप बचाए जाओगे, लेकिन आप पकड़ोगे तो कभी भी छोड़कर डूब जाओगे। परमेश्वर कभी भी नहीं छोड़ते हमें, उन्हें अपना हाथ दो ताकि वो अपने हाथ को पकड़ ले। छेद वाले थैले में कुछ भी ना डालो, लेकिन अपने आप के लिए इकट्ठा करो, ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु यीशु की कृपा है।